दोस्तों, अगर आप भी एक 5G स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में 5G इंटरनेट नहीं चलता है, आप 4G का ही यूज़ कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में 5G की कनेक्टिविटी भी आ चुकी है लेकिन फिर भी अगर आपके फ़ोन में 5G नहीं चल रहा है, आप जब यहाँ पर देखते हैं तो ऊपर आप देखते हैं 4G लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 4G लिखा हुआ आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको आपके फ़ोन की दो ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में एक बार ऑन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानना आप अपने 4G से 5G में तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपकी इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। बस दोस्तों आपको छोटी छोटी दो सेटिंग करनी है और ये दो सेटिंग ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर 5G की रियल स्पीड का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं हमारे फ़ोन में अभी इस समय 4G चल रहा है और अगर मैं अपनी इंटरनेट की स्पीड चेक करता हूँ तो मैं आपको अभी स्पीड चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इंटरनेट स्पीड चेक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं हमारी इंटरनेट की स्पीड अभी आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप डाउनलोड स्पीड हमारी देख सकते हैं जो कि अभी कंप्लीट हो रही है, प्रोसेस हो रही है, 4.5 MB की डाउनलोड स्पीड है। और यहाँ पर दोस्तों अपलोड स्पीड आप देखते हैं लगभग 0.5 MB की है, यानी और सिग्नल कितना ज़्यादा वीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4G नेटवर्क की ये स्थिति है। तो अब आपको 5G में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करना, कौन सी दो सेटिंग करनी है, ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर देना है लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको लिखना है 5G इंटरनेट ट्रिक और इस तरीके से सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पर, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है ताकि इस ट्रिक को आपके जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सभी यूज कर पाएं और अपने फोन में 5G स्पीड का मजा ले पाएं। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहली सेटिंग ऑन करने के लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। अब दोस्तों आप जो सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी मोबाइल नेटवर्क के नाम से, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप अगर कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करें तो आपके फ़ोन में कनेक्शन के नाम से सेटिंग होगी। तो आप जैसे ही उस सेटिंग को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग मिल जाएगी, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप के दोनों सिम आ जाएंगे, हालांकि मैं एक ही सिम कार्ड का यूज़ कर रहा हूं, तो आप जिस भी सिम का यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट चलाने के लिए आपको उस सिम पर टाइप कर देना है। और दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो यहां पर आपको इस सेटिंग को ओपन कर लेना है और यहाँ पर 4G 3G 2G की सेटिंग आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस पर सेलेक्ट है, तो इसे आपको 5G 4G 3G 2G पर इसे सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहां से आपको बाहर निकल आना। अब दोस्तों आपकी पहली सेटिंग कंप्लीट हो गई लेकिन अभी तक आपके फ़ोन में 5G का सिग्नल जो है नहीं आया है, तो अब दोस्तों आपको दूसरी सेटिंग करनी है। तो दूसरी सेटिंग करते ही आपके फ़ोन में 5G आ जाएगा, ये मैं अभी आपको लाइव चेक करके दिखाऊँगा और अपने फ़ोन में भी दिखाऊँगा। तो दूसरी सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको एक बार फिर से अपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आपको नीचे जाना है और नीचे आपको अबाउट डिवाइस में जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको वर्जन ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर आना है बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पर आपको इस तरीके से 7 बार टाइप करना है। दोस्तों आप जैसे 7 बार टाइप करेंगे आपके फोन में एक नई सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो ऊपर आपको एडिशनल सेटिंग में या सबसे नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग मिल जाएगी, तो हमारे फोन में एडिशनल सेटिंग में है डेवलपर की सेटिंग, तो यहां पर आपको डेवलपर की सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आप जैसे डेवलपर की सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको स्क्रॉल करके नीचे चलते जाना है और यहां पर आपको एक सेटिंग ढूंढ लेनी है 5G की। तो यहां पर आपको ये सेटिंग बंद होगी और सिम 1 पर वहां पे आपने सेलेक्ट किया था, तो यहां पर सिम 1 लिख के आ चुका है। तो अब आपको इस सेटिंग को इस तरीके से ऑन कर लेना है। बस दोस्तों आप जैसे ही यहां पर आकर ऑन करेंगे, आप देखते हैं मैं आपको दिखा दूं हमारे फोन में 5G का सिग्नल जो है वो आ चुका है। तो यहां पर दोस्तों आप देखते हैं जो 4G लिख के आ रहा था, अब हमारे फोन में यहां पर आप देखते हैं 5G लिख के आ चुका है। दोस्तों अभी मैं आपको अपने फोन की इंटरनेट की स्पीड भी चेक करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं आता हूं और अपनी स्पीड चेक करने के लिए एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं और यहां पर दोस्तों अब मैं अपनी इंटरनेट की स्पीड चेक कर लेता हूं, जो कि आप देखते हैं डाउनलोड स्पीड हमारी 4.5 MBPS थी। अब यहां पर दोस्तों आप देखते हैं हालांकि इंटरनेट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि मैं अभी रूम में बैठा हूं, अंदर सब लॉक है। तो यहां पर दोस्तों आप देखते हैं 87 MB की डाउनलोड स्पीड है और हमारी लगभग 7 MB की जो है अपलोड स्पीड है और दोस्तों यहां पर 5G का सिग्नल भी आ चुका है। तो दोस्तों बस आपको ये दो सेटिंग ऑन करनी है, उसके बाद आप अपने फ़ोन में बड़ी आसानी से 5G इंटरनेट चला पाएंगे। दोस्तों यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल
सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।